नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, अररिया के बाद अब सिवान में पुल ढह गया। बता दें कि 5 फीट लंबा पुल दरदरा कर नीचे गिर गया, जिस वजह से आवागमन में अब काफी मुश्किलें हो रही हैं। आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। दो गांवों को जोड़ने वाला ये पुल था जो पूरी तरह से टूट गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ समय पहले ही यहां पर नहर की सफाई हुई थी और मिट्टी को काट कर बांध के पास फेंका गया था, जिस वजह से पुल का पिलर कमजोर हो गया और पिलर के कमजोर होने की वजह से पिलर खसका और पूरा का पूरा पुल गिर गया। बता दें कि पुल के ढह जाने की वजह से अब मरीजों को अस्पताल जाने में, किसानों को खेत जाने में और बच्चों को स्कूल जाने में भारी समस्या होने वाली है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि कुछ दिनों पहले ही, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन पहले ही अररिया में पुल ढहा था और अब मामला सिवान से सामने आ रहा है। इससे पहले आपको बता दें 2023 की बात अगर हम आपको बताएं, 2023 का डाटा अगर हम आपको बताएं तो खगड़िया, कटिहार, पटना और सिवान, इन सभी जगहों पर पुल गिरने का मामला सामने आया और अब अररिया और फिर अब सिवान में यह मामला जो है सामने आ रहा है। लगातार जो पुल गिरने के मामले हैं इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बता दें कि 2 सालों में अब तक 8 पुल गिर चुके हैं। 2022 से लेकर 2023 की भी बात हम आपको बताते हैं। बता दें कि 2022 30 अप्रैल को भागलपुर खगड़िया सड़क पुल टूटा। 9 जून 2022 को सहरसा में पुल गिरने से 3 मजदूर घायल हुए। 18 नवंबर 2022 को नालंदा में एक निर्माणाधीन पुल ढह गया। जुलाई 2022 कटिहार जिले में एक निर्माणाधीन पुल गिरा। 16 जनवरी 2023 दरभंगा जिले में लोहे का पुल गिरा। 19 फरवरी 2023 पटना में बिहटा सरमेरा 4 लेन पुल गिरा। 19 मार्च सारण जिले में अंग्रेजों के समय का बना पुल गिरा। 4 जून 2023 खगड़िया के अगवानी गंगा पुल नदी में समाया। वहीं अब 5 दिनों पहले बिहार का अररिया के सिट्टी में बकड़ा नदी पर बना पुल मंगलवार को नदी में समाया और उसके 5 दिनों के बाद अब खबर सिवान से आई है। बता दें अब सिवान में महाराजगंज अनुमंडल के पटेड़ा और गरौली गांव के बीच गंडक नहर पर बना पुल अचानक टूट गया। वहीं अब इस पुल के टूटने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।